इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। हरियाणा कैथल जिले के कलायत थाना के एक गांव से शनिवार को लापता हुई 7 साल की बच्ची को बलात्कार के बाद जला दिया गया, जिसका अजला शव रविवार को गांव के साथ लगते जंगल से मिला। शनिवार को कैथल पुलिस ने लापता 7 वर्षीय बच्ची को ढूंढने के लिए डोर टू डोर सर्च अभियान चलाकर गांव में लगे सीसीटीवी को खंगाला, तो पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्ची के पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। बाद में सबूत मिटाने के लिए तेल छिड़क कर आग लगा दी। रविवार को कैथल पुलिस ने साथ लगते जंगल से बच्ची के अजले शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैथल पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आरोपी बच्ची का पड़ोसी है, जो अक्सर उसके साथ खेलता था और शनिवार दोपहर बाद लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ गांव के साथ लगते जंगल में ले गया। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि आरोपी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, बाद में मार कर सबूत मिटाने के लिए तेल छिड़क कर बच्ची को आग लगा दी। पुलिस टीम ने रविवार को गांव में हर घर की जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गांव के ही 19 वर्षीय युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, तो खुलासा हुआ कि आरोपी बच्ची का ही पड़ोसी निकला, जिसने पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर शव को आग लगा दी। तलाशी अभियान के दौरान गांव के साथ लगते जंगल में बच्ची का अजला शव बरामद हुआ, जिसकी कपड़ों से पहचान की गई। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका विषय यह है कि जैसा आप सबको जानकारी भी होगी, कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी, और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2.5 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमारे DSP सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और CIA टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया। हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी, कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गांव वालों का भी सहयोग लिया गया, और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक भीड़ का एरिया है, वहां पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहां पे कांटे और झाड़ियां वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी FSL टीम ने भी मौका विजिट किया, और उसके बाद में अभी बॉडी को तो उसका पोस्टमार्टम हम कल कराएंगे, और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली, तो हमने फिर हमारे DSP सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में CIA टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है, और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने जहाँ पे हम पूछताछ के लिए लेके आए, और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है, 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है, और जो विक्टिम है, जो बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है, और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे कि पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी, और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा, और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया, और जो घटनास्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी, वहाँ पर वो उसे लेके गया, उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया, और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया, तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुँह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका, और उसके बाद में फिर वो वहाँ से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर उसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी, और जैसे भी इसमें शाम को ही कल उसने ये कि 6:30 के आसपास उसने अभी जो बताया है, बाकी एग्जैक्ट टाइमिंग जो है उसे और डिटेल में हम पूछताछ करेंगे, अभी उसका हम कल रिमांड लेंगे, रिमांड लेकर के और ज़्यादा गहनता से उससे पूछताछ की जाएगी, और सारी बातों का जो भी सामने आएंगी उनका खुलासा किया जाएगा। प्रोफाइल क्या है सर इस युवक का?
ये युवक यह है कि तकरीबन 19 साल की इसकी उम्र है और ये यानी कि उसने 9th क्लास तक पढ़ाई करी है, तो बिल्कुल एक बेरोजगार किस्म का शख्स है। वैसे ही वो तो छोटा मोटा कोई काम करता है उस तरीके से, और आवारा किस्म का ही शख्स है। अभी वो बाकी बात आगे पता चलेगी, अभी तक तो है कि पहले कोई मामला तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है। हाँ, नशे की बात यह है कि अभी कल तो इसने वारदात को अंजाम दिया था और आज ये तकरीबन यानी कि नशे की हालत में था जब हम इसे पकड़ के लाए हैं, इसको घर से हम गिरफ्तार करके लेके आए तो नशे की हालत में था ये। वो बाकी सारी बातें अभी गहनता से और अच्छे से इसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में ही फिर सारी बात सामने आएगी। सारे एंगलों से हम पूछताछ भी कर रहे हैं और सारे एंगलों से और भी जांच करेंगे। अगर कोई और भी इसमें अगर कोई शामिल आया तो उसकी फिर देखी जाएगी, जैसा भी होगा आगे बात। लड़की को क्या लालच देके इसने बुलाया अपने पास? नहीं, जैसा इसने बताया कि ये पहले से ही जानते थे और घर भी बिल्कुल नज़दीक थे और बच्ची इसके साथ में पहले भी यानी कि खेलने के लिए चली जाया करती थी उसके साथ, उसी बहाने से इसने खेलने के बहाने से बच्ची को लेके गया कि चलो हम खेलने के लिए चलते हैं, बाहर चल के खेलते हैं, और इसी बहाने से बच्ची को लेके गया। वो अभी जैसा भी पूछताछ में सामने आएगा, अभी तक फिलहाल तो यही है कि उसने पहली बार ही अभी जो बता रहा है कि इसने पहली बार ही इस वारदात को अंजाम दिया है। बाकी हम और इसका रिमांड लेकर के गहनता से पूछताछ करेंगे और उसमें जो भी बात आएगी। इस मामले में हमारी है कि CIA टीम ने DSP सज्जन सिंह की अगुवाई में बहुत अच्छा काम किया, बहुत त्वरित कार्रवाई करी और बहुत कम टाइम में हमने एक्यूज को गिरफ्तार में। हमने हमारी 150 लोगों की टीम बनाई थी, तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार हमें इसकी सबसे पहले वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी कि बच्ची वही। उसका गिरफ्तारी